जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो एक काम करना, 5 बेलपत्र लेना, 3 ध्यान से देखना है और ध्यान से श्रवण भी करें। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, और ऐसा लग रहा है कि हमारा यह कार्य होना चाहिए पर किस निर्णय पर जाऊं, ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटे का संबंध यहां करूं ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं यहां करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री और 5 बेलपत्री की जो नीचे की जो डूट होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ, 5 डंडी पर, जितने भी 5 बेलपत्री की 5 डंडी पर इत्र लगाकर एक एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण करकर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है, आपको जो निर्णय करना है 24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सतमार्ग पर पहुंचा देना। निर्णय पक्का। जब कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, बहुत ही सरल और अचूक उपाय गुरुदेव ने बताया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ बेलपत्री की पीछे की जो डंडी होती है, जो उसकी पीछे की डूट होती है, उस 5 पत्ती पे इत्र लगाना है। शिव पंचायत में जो 5 सदस्य होते हैं उनका नाम लेकर के बेलपत्री वृक्ष के नीचे समर्पित करना है, और आपकी जो मनोकामना है, जो दुविधा है, वो बोल देनी है। 24 घंटे में उसका समाधान जरूर हो जाता है। कहते ही आपके हृदय चित्त में वो जो निर्णय आपका होगा, जो दुविधा चल रही होगी, सटीक निर्णय दिला देते हैं। तो ये छोटा सा उपाय करके जरूर देखें। आपने भी अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए उपाय किए हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो उस उपाय का नाम कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।